प्रोग्रेस हुई है, यह स्कूल जो आगे आया है एकेडमिक क्षेत्र में हो चाहे बाकी किसी भी क्षेत्र में, उसमें SRF फाउंडेशन का बहुत बड़ी भूमिका रही है, क्योंकि SRF फाउंडेशन ने हमारे को ना केवल इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया है, बाकी समय समय पे चाहे गर्मियों की समर वेकेशन हो या सेशन के बीच में हो, वो बहुत सारी गतिविधियों का आयोजन स्वयं भी बच्चों के साथ करते हैं। SRF के साथ मिलकर के जल संरक्षण से लेकर के वाटर क्वालिटी यानी पानी की गुणवत्ता तक पर हमने कार्य किया है ताकि बच्चों की सेहत अच्छी बनी रहे। द्वारा जो स्कूल गोद ले रखे हैं उनमें इनके द्वारा जो लैब एस्टेब्लिश किए गए हैं कक्षा 8 तक, उसमें हमने कई बार विजिट की है और देखा है कि उसमें जो सामान है, इक्विपमेंट है, वो हमारे सरकारी स्कूलों के अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा हैं। जुड़े हुए तब से हमारे स्कूल में लाइब्रेरी, डिजिटल क्लासरूम, साइंस लैब और बैठने के लिए बच्चों को ड्यूल डेस्क, टार पट्टियाँ, ब्लैक बोर्ड आदि चीज़ें दी थी और स्कूल में सोलर पैनल भी लगवाए थे। बच्चों की कमेटियाँ बनी हुई हैं, जैसे स्वच्छता कमेटी है और हमारी बाल सभा है, तो कई सारी कमेटियाँ हैं जिनके साथ हम बच्चों के द्वारा ही उनकी साफ सफाई करते हैं। देख रहे हैं कि हमारे स्कूल के अंदर बहुत सारी चीज़ें विकास हुआ है, उसमें हम कह सकते हैं कि हमारा जो SRF फाउंडेशन एक जो संस्था है उसके माध्यम से हमारे यहाँ पे लाइब्रेरी बनी है, पीने के पानी की जो टंकी थी बच्चों के लिए वो सुविधा हुई है, एक टॉयलेट की जो सुविधा हुई है और एक गर्मी के माध्यम से जो हमारे पंखे वगैरह की जो लाइट की सुविधा होनी चाहिए थी वो SRF फाउंडेशन के माध्यम से हमें सोलर सेल जो लाइट का प्रावधान उन लोगों ने किया है उसका भी मैं SRF का बहुत अच्छा योगदान मानता हूँ। बच्चों की अटेंडेंस थी वो बहुत कम रहती थी, उसके अंदर हमारा सहयोग किया है SRF फाउंडेशन ने कि उन्होंने अभिभावक को जागरूक किया और उनके कारण हमारे बच्चों की जो अटेंडेंस है वो लगभग 80% के आसपास रहती है। है SRF की टीम हमारे साथ घर घर जाकर के हमने बच्चों के जो नए एडमिशन या ड्रॉप आउट बच्चे थे उसमें भी SRF की टीम ने हमारा काफ़ी सहयोग किया था। ख़ासतौर से मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये ब्लॉक नूह के अंदर जो हमारे 19 गांव हैं जिनमें लगभग 40-42 स्कूल हैं, इनका जो लेवल है और इनका जो लुक है
वो बाकी ब्लॉक से और बाकी ज़िले से अलग है। जो जब अलग दिखाई देता है तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं जब हमारी मीटिंग होती है हेड्स की कि इसमें जो SRF फाउंडेशन है उसका एक बहुत बड़ा सहयोग। मैक्सिमम बच्चे जो मदरसे में जाते थे फिर टीचर के साथ मिलकर सरपंचों के साथ मिलकर SRF के थ्रू हम लोगों ने बच्चों को मोटिवेट किया और आज के डेट में हर स्कूलों में इस मोटिवेशन के कारण बच्चों की जनसंख्या स्कूलों में बढ़ी है। रोजका में स्कूल के अंदर जो पहले 200 बच्चे थे आज वहाँ पे 800 बच्चे हो गए। कंवर शिखा स्कूल के अंदर पहले करीब 300 बच्चे थे आज यहाँ भी 700 बच्चे हो गए। प्ले मेथड से हम बच्चों को सिखाते हैं, उनको कार्डों के माध्यम से ग्राउंड में ले जाकर उन बच्चों को प्लेइंग करा कर हम उनसे उनको सिखाते हैं। SRF फाउंडेशन का इसमें बहुत बड़ा सहयोग है क्योंकि वो हमें बार बार ट्रेनिंग देते हैं, हमारे साथ जो गांव के समाज के जो लोग जुड़े हुए हैं उसमें भी हमारा सहयोग करते हैं। स्कूल के डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें हम लोगों ने स्कूल में बच्चों के लिए बुक्स का डिस्ट्रीब्यूशन और उसको बुक्स को कैसे पढ़ना है, कैसे उसमें काम करना है, उसके लिए हमने टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम कराया SRF की मदद से। इसके साथ साथ समाज के डेवलपमेंट के लिए हम लोगों ने अभी तक फीमेल्स वगैरह यहाँ पर नैपकिन्स यूज नहीं करती थी, उनकी हाइजीन को सुधारने के लिए, उनके स्वास्थ्य को सुधारने के लिए, बच्चियों में जागरूकता पैदा करने के लिए हमारी रूप संगनी टीम और SRF की टीम ने मिलकर राहत पैकेट्स जो SRF देती थी उनके साथ हम लोगों ने राहत पैकेट्स बांटे, उनको अवेयर किया, उनको जागरूक किया कि कैसे यूज करना है। उपलब्ध करवाई जाती हैं, वो तो सोने पे सुहागा का काम करती हैं। हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों का जो स्तर था वो काफ़ी ऊंचा हुआ है इन पुस्तकों की सहायता से। ये पुस्तकें जो शिक्षण पुस्तकें हैं उनके साथ एक सहयोगी पुस्तकों का काम करती हैं और हमारे विद्यालय के शिक्षण स्तर को ऊंचा उठाने में बहुत मदद करती हैं। हो चुके थे या पढ़ नहीं रहे थे ऐसे बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए कई ऐसी गतिविधियां की जिससे कि लोगों को यह भी महसूस नहीं हो कि हम खेल खेल में ही शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और ये जो तकनीक है ये तकनीक मेवात के लिए सबसे अच्छी तकनीक रही।
जहाँ भी मैं गया हूँ तो दो चार जगह पे, जैसे मैंने अभी छुट्टियों के दौरान भी, वन छुट्टियों के दौरान भी मैंने दो स्कूल विजिट किए थे जहाँ पे इन लोगों ने एक्स्ट्रा क्लासेस छुट्टियों के दौरान लगा रखी थी, जिसमें बहुत सारे बच्चे वहाँ पे मौजूद थे और एक तरह से एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग ये लोग वहाँ पे करवा रहे थे। बच्चों से मैंने बातें भी की, सवाल भी पूछे बच्चों से, पूछा बेटा क्या तुम सीख रहे हो यहाँ पे छुट्टियों में आके, या आने का मतलब तुम्हारा मन ही कैसे हुआ यहाँ पे स्कूल में आने के लिए। तो उन्होंने बताया कि SRF फाउंडेशन के जो तरीके हैं, जो चीज़ें हैं, वो बच्चे को जिस तरीके से वो पढ़ाते हैं वो उन बच्चों को रुचि कर हिसाब से बनते हैं, तभी वो बच्चे अट्रैक्ट होकर आकर्षित होते स्कूलों में, इवन छुट्टियों के दौरान भी रहे। SRF ने 19 गांवों में ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी शुरू की हैं, जो 19 गांवों से बच्चे निकल कर आए हैं, जो वो इतने अच्छे तराशे हुए बच्चे हैं, उन्होंने लगातार अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग जगह जाकर मेवात का नाम रोशन किया। जैसे प्राइमरी लेवल पे हम पढ़े भारत और बड़े भारत कार्यक्रम के तहत तो जो प्रोग्राम करवाते हैं उनमें हमने ये देखा है कि जो SRF की गोद लिए हुए स्कूल हैं तो वो बच्चे काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं और वो पोजीशन भी लेते हैं। बयालीस स्कूलों का जो मूलभूत ढांचा है, जो इन 42 गांवों में जो प्रोग्रेस की है इन 42 स्कूलों ने, वो बाकी स्कूल काफ़ी पीछे रह चुके हैं इनके मुकाबले में। इन्होंने हर क्षेत्र में, चाहे वो स्पोर्ट्स का हो, एकेडमिक हो या इंफ्रा हो, हर उसमें इन्होंने हेल्प बहुत स्कूलों को बहुत आगे बढ़ाया है। में जब SRF फाउंडेशन की संस्था आई थी, उससे पहले हमारे स्कूल में कोई इतनी सुविधाएं नहीं थी, ना तो टॉयलेट की ना पानी की। इससे पहले इसलिए लड़कियों को लोग स्कूल में भेजने थे, बचते थे।